नमस्कार, मैं साहिबा बानो बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। राष्ट्रभक्त संगठन द्वारा जिले में 27 मिलन केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां क्षेत्रीय युवकों को सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता है। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा आदि मंत्रों के उच्चारण किए जाते हैं। इसी तरह का एक मिलन केंद्र ग्वारियर रोड क्रॉसिंग के पास जगेश्वर मंदिर में भी चलता है। वहीं मंदिर के बगल में अवैध कच्ची शराब की बिक्री भी होती है। कई बार संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा शराब विक्रेताओं से अनुरोध किया गया कि मंगल के दिन यहां शराब ना बेचा करें, ना मानने पर जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई। इस बात को लेकर शराब विक्रेता और शराब माफिया संगठन के कार्यकर्ताओं से नाराज थे। कल शाम केंद्र पर कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात 5 कार्यकर्ता लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे 30 से 35 लोगों ने ग्वालियर रोड क्रॉसिंग से पहले हमला कर दिया, उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घायलों में अभय यादव और मोनू सेन नामक 2 युवकों को पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया है। हिरासत में लिए गए युवकों से अन्य आरोपियों का नाम पता करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी मिलने पर राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जड़िया भी मौके पर पहुंचे और घायलों द्वारा पुलिस को लिखित तहरीर दिलवाई। देर रात तक पुलिस मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही कर रही थी। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या घटना हुई आज? हमारे पास सूचना आई, हम नगरा में थे रामकथा में, तो वहाँ पर सूचना आई जागेश्वर धाम एक आश्रम है, वहाँ पर कार्यकर्ता जो है हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हैं। आप लोगों को सभी को पता है कि 27 मिलन केंद्र झांसी भर में संगठन के द्वारा संचालित होते हैं, उनमें से एक मिलन केंद्र वो भी है। उसके आसपास लंबे समय से कच्ची शराब बिक रही थी, तो आज पुलिस के द्वारा कच्ची शराब बेचने वालों को पकड़ा गया होगा। उनको ये लगा जो भी शराब बिक्री करने वाले लोग थे कि शायद इस मंदिर से सूचना होकर के उनकी शराब पकड़ गई है, इसको लेकर के 30 से 40 लोगों ने आकर के वहाँ पर हमला किया और कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट करी। उसी संबंध में हम इसमें सीपुरी थाने में अभी आए हुए हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और जैसा कि आश्वासन मिला है कि जो भी लोग मारपीट करने वाले हैं उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होगी, और जिनकी संलिप्तता है इस कच्ची शराब को बिकवाने में, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर इस जिले के SSP महोदय, DM महोदय, सबका सीधा सीधा कहना है। आज भी पीस कमेटी की बैठक थी, उसमें भी कहा कि किसी भी हालत में अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए।